उत्तराखंड में दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं का तांडव जारी है। अभी फिर एक बड़े सड़क हादसे की खबर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी तहसील क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां हुए एक भयावह सड़क हादसे में बागेश्वर के रहने वाले एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुखद खबर से जहां मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं उसके गृह क्षेत्र में भी शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक युवक की उम्र महज 20 वर्ष बताई गई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मूल रूप से उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील क्षेत्र के पोंथिंग गांव निवासी योगेश गड़िया पुत्र नंदन गड़िया वर्तमान में नैनीताल जिले के हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में अपनी बहन के साथ रहता था। बताया गया है कि बीते बुधवार वह रोज की तरह स्कूटी से जिम गया था, लेकिन वापसी में जैसे ही उसकी स्कूटी गैस गोदाम रोड के पास पहुंची तो एकाएक सामने से आ रही पिकअप को पास देने के चक्कर में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक ओर जहां स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं योगेश भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने उसे सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे परिजनों को जैसे ही योगेश की मौत की खबर मिली तो परिजन बेसुध हो गए। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।